एक रात में दूसरी बार शारीरिक संबंध बनाने से किया इनकार तो पति ने दी दर्दनाक मौत। दोबारा सेक्स करने से किया इनकार तो पति बना हैवान। 5 दिसंबर को आखिर ऐसा क्या हुआ जो शबाना को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोबारा संबंध बनाने से इनकार करना पड़ा भारी, पति ने दी दर्दनाक मौत। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसे सबसे ज्यादा अपने पति पर ही विश्वास होता है। शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें बंधकर एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी एक अनजान व्यक्ति के साथ बिताने के लिए तैयार हो जाती है और वो उम्मीद करती है कि उसका पति जीवन भर उसका साथ निभाएगा और हर परेशानी से निकलने में उसका साथ देगा। लेकिन जिस व्यक्ति पर इतना विश्वास करती है, अगर वही उसकी मौत का कारण बन जाएगा, वो भी सिर्फ मामूली सी बात के लिए, ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दिसंबर को अमरोहा नगर कोतवाली इलाके के बेकरी संचालक जावेद नगर कोतवाली पत्नी शबाना की गुमशुदगी दर्ज करवाई तो दूसरी तरफ मुरादाबाद पुलिस को प्लास्टिक के बोरे में एक लावारिश लाश बरामद हुई। सड़क पर बोरे में लावारिश शव की जानकारी मुरादाबाद पुलिस को वहां के गांव के लोगों ने दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक महिला की लाश की शिनाख्त के लिए कई जनपदों में फोटो भेजे। आसपास के जिलों से ऐसी महिलाओं का ब्यौरा भी लिया जिनकी हाल ही में गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसी बीच सामने आई अमरोहा कोतवाली में शबाना की गुमशुदगी दर्ज होने की बात। तस्वीरों से पहचान की गई तो वो शव अमरोहा नगर कोतवाली इलाके की रहने वाली शबाना का निकला। पुलिस ने उसके पति से जब पूछताछ की तो उसने पहले कई कहानियां बनाई, पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस भी कहां चुप रहने वाली थी। पुलिस को उस पर पहले से ही शक था, लेकिन पुलिस उसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। अंततः जावेद ने जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी पत्नी शबाना की हत्या की है। इतना ही नहीं, उसने शबाना के शव को ठिकाने लगाने में अपने भाई फैजल की मदद भी ली थी। जावेद ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 5 दिसंबर को सुबह करीब 4 बजे उसने पत्नी शबाना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। थोड़ी देर बाद जब दोबारा संबंध बनाने के लिए पत्नी से कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जावेद अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और आवेश में आकर उसने रस्सी से गला दबाकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिर शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर अपनी बाइक से मुरादाबाद जनपद के गांव रतुपुरा के जंगल किनारे सड़क पर फेंक आया और वापस आकर अमरोहा नगर कोतवाली में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। पति पत्नी एक दूसरे के हमसाया होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वर्तमान समय में अगर पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध सही नहीं होते तो उनके रिश्ते में खटास आ जाती है। लेकिन क्या कोई इसके लिए कातिल बन सकता है? क्या कोई पति पत्नी के शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर उसकी जान ले सकता है? जावेद और शबाना की शादी को 9 साल पूरे हो चुके हैं, दोनों के 3 बच्चे भी हैं। मात्र शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने 9 साल के रिश्ते को इतने दर्दनाक तरीके से खत्म किया। महिलाओं के इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। कभी पत्नी से अप्राकृतिक यौन संबंध तो कभी संबंध बनाने के लिए पत्नी से मारपीट। देश में आए दिन इस तरह की हैवानियत सामने आना आम बात हो गई है। कोर्ट ने भी इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि शादी के बाद भी पति पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं बना सकता। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सभी हथियार बरामद कर लिया है, साथ ही मुख्य आरोपी जावेद और उसके भाई को जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।